हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही फुलका रेसिपी। इसे आप दही बड़े भी कह सकते हैं। ये रेसिपी इंस्टेंट रेसिपी है, इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये इजीली बन जाती है। चलिए देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बॉल में 2 कप बेसन लिए हैं। उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। और यहाँ पर मैंने 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो लम्स फ्री बने। अगर हम एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारे लम्स को निकलने में मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी करके अपने बैटर को अच्छे से फेंटेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो लम्स फ्री बने। देखिए यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो बन गया है और इसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पतली हो जाएगी तो हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो जब हम दही में डालेंगे तो वो बिखर जाएंगी। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज को कट किया है। यहाँ पर मैंने धनिया ऐड किया है और यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया था वो ऐड किया है। बचा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च हम अपनी बाकी की दही में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने अभी से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब पकौड़ियों के लिए अब हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। मैंने पकौड़ियों के लिए ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर ऐड करके देखेंगे। अगर बैटर ऊपर आ जाता है इतनी से हमारा जो तेल है वो पकौड़ियाँ तलने के लिए रेडी है। अब हम इसमें एक एक करके अपनी पकौड़ियाँ जो हैं वो फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई ही रखा है। पहले मैं हाई फ्लेम पर पकौड़ियों को फ्राई करूँगी। जब वो अच्छे से नीचे से पक जाएंगी तब मैं इसे पलट के अपनी फ्लेम को लो कर दूँगी। अब हमारी पकौड़ियाँ एक साइड से हो चुकी हैं। हम इसे पलट लेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। देखिए अब हमारी पकौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैं इसे एक एक करके प्लेट में निकाल लूँगी। एक बॉल में 2 ग्लास के करीब पानी लिया है। मैं अपनी सारी पकौड़ियों को इसके अंदर डाल दूंगी और 10 से 15 मिनट तक पकौड़ियों को फूलने के लिए पानी के अंदर छोड़ दूंगी। याद रहे हमें 10 टू 15 मिनट के लिए इसे पकौड़ियों को छोड़ना है ताकि पकौड़ियाँ हमारी सॉफ्ट हो जाएं। अब मैं एक बॉल में करीब 150 ग्राम दही लूँगी। दही लेने के बाद हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। देखिए हमारी दही बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें सारे मसाले 1-1 चम्मच डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 1.5 छोटे चम्मच यहाँ पर मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड किया है। यहाँ पर मैंने अब 1 छोटा चम्मच काला नमक ऐड किया है, चाट मसाला। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच सूखे पुदीने का पाउडर ऐड किया। अगर आपके पास सूखे पुदीने का पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप पुदीने की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी आप डालें ना डालें। अब हम सारे मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम ऊपर से 1 छोटा चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसमें हम बाकी का बचा हुआ हरा धनिया और जो हमारी हरी मिर्च बची हुई थी वो ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया था, उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं हमारी पकौड़ियों को भीगे हुए, ये सॉफ्ट हो चुकी हैं अंदर से। अब हम इन्हें क्या करेंगे, इसका जो पानी है वो दही में ऐड करेंगे। जब हम पकौड़ियों को पानी में भिगोते हैं तो सारा पकौड़ियों का टेस्ट जो है वो पानी में आ जाता है। आप दही को मिक्स करते वक्त उसमें पानी ना ऐड करें, पकौड़ियों का ही पानी ऐड करें। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें सारी जो पकौड़ियाँ थी वो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम तैयारी करेंगे इसके ऊपर तड़का लगाने। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल में 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड किया है। अब हम जीरे को तड़कने तक पकाएंगे। देखिए हमारा जीरा तड़कने लगा है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इसमें तड़का लगाएंगे।
ये हमारे दही बड़े जो हैं वो बनकर रेडी हैं। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, या आप सिर्फ इसमें इमली की चटनी ऊपर से डालकर खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, आप एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। थैंक यू।